नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ पर संदीप में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वर्ष 2018 में पूछे गए प्रश्न पत्र यूपी टेट के प्रश्न पत्र का हल कर रहे हैं और इसके दो पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ, आज ये तीसरा पार्ट है। दोस्तों ये इंग्लिश का है तो इसे ध्यान से देखें क्योंकि इसमें मैंने इंग्लिश के फंडामेंटल्स भी कुछ बताए हुए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके यूपी टेट में आने वाले हैं वो आप गलत ना करें, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपने हिंदी के वीडियो और बाल मनोविज्ञान के वीडियो यूपी टेट से रिलेटेड अगर वीडियो आपने पिछले नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर जरूर देख लीजिए। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पोएट्री रेसिटेशन इन ए लैंग्वेज क्लासरूम। तो जो मेन पर्पस क्या होता है पोएट्री का, तो पोएट्री का जो मेन पर्पस होता है वो होता है टू एंजॉय एंड अप्रिशिएट द पोयम। ठीक है, टू एंजॉय द अप्रिशिएट ऑफ द पोयम। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट आर्टिकल भरना। यस्टरडे आई सॉ स्पेस यूरोपियन राइडिंग ऑन स्पेस एलिफेंट। तो देखिए जो यूरोपियन है, यूरोपियन कैसा वर्ड दे रहा है, कॉन्सोनेंट यूरोपियन। ठीक है, यूरोपियन तो ये कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा, तो यहां पर आएगा आपका ए। और एलिफेंट, एलिफेंट वावेल का साउंड दे रहा तो इसमें एन आएगा। यस्टरडे आई सॉ ए यूरोपियन राइडिंग ऑन एन एलिफेंट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, प्लीज डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी, प्लीज डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, प्लीज डिस्क्राइब टू द स्टोरी। तो इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी। इसमें आपको प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, केवल आर्टिकल से काम चल जाएगा, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। ए प्रिजनर वॉज एक्यूज्ड, जहां पर एक्यूज्ड शब्द आएगा उसके साथ हमेशा आंख बंद करके आपको ऑफ लगाना है। ए प्रिजनर वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। ओके तो ऑप्शन नंबर 2। द एंटोनिम ऑफ इनोसेंट, इनोसेंट का जो एंटोनिम है अपोजिट है वो होगा गिल्टी। सिनोनिम ऑफ सिग्निफिकेंट इज, जो सिग्निफिकेंट का जो सिनोनिम है वो आपको बताना है, तो वो होगा इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंट मतलब जरूरी चीज, ठीक है, आवश्यक चीज। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग सफिक्स एन। सफिक्स एन, सफिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रत्यय। एन लगाकर किसको हम प्लूरल बना सकते हैं, मैक्स, बॉक्स, टैक्स, ऑक्स। तो जो ऑक्स होता है, ऑक्स को प्लूरल बनाने के लिए ऑक्सन करना पड़ता है, OXEN। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, दिस ड्रेस इज स्पेस एंड दैट वन इज माइन। तो इसमें कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, तो दिस ड्रेस इज योर्स, मतलब ये ड्रेस तुम्हारी है और वो वाली मेरी है। अगला है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इंटू पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, हैव द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तो इसका जो आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो देखिए जो ऑब्जेक्ट है उसको उठाकर सब्जेक्ट की तरफ ले आएंगे, तो अब गर्ल्स के साथ हैव लग रहा था और जो क्वेश्चन है तो उसके साथ हैज लगेगा, तो हैज दिस क्वेश्चन बीन, जब हैव का होता है तो हैव बीन कर देते हैं, हैज बीन कर देते हैं, तो बीन लगाएंगे उसके साथ, हैज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय गर्ल्स। ऑप्शन नंबर इसका 3 होगा, हैज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय गर्ल्स। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ये आपको पैसेज दे रखा है, इसके आंसर देने। तो पहला जो प्रश्न है, विच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर। तो ये दोनों जो ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर आप पैसेज नहीं भी देखेंगे तब भी आप इसका हल कर लेंगे। विच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर, तो गंगापुर किसी शहर का नाम है, तो जब शहर का नाम है तो वो होगा प्रॉपर नाउन। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड ब्रेव, ब्रेव क्या है, तो ब्रेव क्या है, ब्रेव एडजेक्टिव है, जैसे कहते हैं ही इज ए ब्रेव बॉय, वो कैसा लड़का है, वो बहादुर लड़का है। तो जो लड़के की विशेषता बता रहा है, मतलब जो एडजेक्टिव वो है ब्रेव। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए मटेरियल नाउन। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, मटेरियल नाउन आपको ढूंढना है, एयर, काउ, गोल्ड और क्लास। तो इसमें मटेरियल नाउन क्या है, गोल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन
अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन देखो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो दिखाई नहीं देता है लगभग, उसको हम एक मोटा मोटा तौर पर कह सकते हैं जो चीज़ हमें दिखाई ना दे वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे वुमेन बॉय प्लो कनेक्शन, इसमें कौन सा है, इसमें कनेक्शन होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी, तो एडवर्सिटी क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस, ही इज वर्किंग हार्ड, तो जब वर्किंग की विशेषता बता रहा है एडवर्ब। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 76, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए कंजक्शन, तो इसमें कंजक्शन बता रहे हैं। तो कंजक्शन होता है क्या, कंजक्शन जो जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कराने वाला जो वर्ड होता है वो होता है कंजक्शन। तो जैसे शी इज पुअर बट सी इज बाय नेचर हॉस्पिटेबल, तो इसमें जो बट शब्द है बट वो है कंजक्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर वन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कौन सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो पहले समझ लेते हैं। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज हैव आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो ऐसा कौन सा है जिसमें हैज हैव भी हो, थर्ड फॉर्म भी हो, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो, तो लास्ट वाला आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिस स्पेल्ट वर्ड, कौन सी स्पेलिंग गलत है, तो आप देख लीजिए, डेरोगेटरी, डेसिग्नेशन, डिसेंटेंट, तो इसमें कौन सा सही, इसमें ये आपका गलत है, तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी, डी ई आर ओ जी ए टी ओ आर वाई, इसकी ये स्पेलिंग होगी, लेकिन इसमें क्या दिया, जी ए टी ए आर वाई, जबकि होगा जी ए टी ओ आर वाई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न है 79, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए ट्रांसटिव वर्ब, तो ट्रांसटिव वर्ब क्या होता है जिसमें साथ में ऑब्जेक्ट जुड़ा हो, तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट किसमें जुड़ा है, सी राइट्स वेल, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सी वॉक्स इन मॉर्निंग डेली, ही इज रनिंग वेरी फर्स्ट, आई किल्ड ए स्नेक, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट भी है सब्जेक्ट भी, आई किल्ड ए स्नेक लास्ट नाइट, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा लास्ट, फोर्थ। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज निगेटिव, तो निगेटिव इसमें कौन सा है ये आपको देख के बताना है, तो निगेटिव इसमें है ही डज नॉट लिसन टू मी, जिसमें नॉट लगाओ, नेवर लगाओ, वो सब कौन से होते हैं, निगेटिव। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लामेटरी, तो इसमें कौन सा है एक्सक्लामेटरी कौन सा होगा, विच इज योर फेवरेट बुक, वॉट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, तो यही होगा, देखिए वॉट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, ये होगा एक्सक्लामेटरी, मतलब इसमें आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तो अगला प्रश्न है, पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सेंटेंस तीन तरह के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, तो तीन तरीके होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स पूछा है आपसे, तो कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है जिसमें एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो ऐसा कौन सा है जिसमें दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, वन हु डज नॉट लव वंस कंट्री इज ए रेस्ड पर्सन, तो ये है आपका सही उत्तर, ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का उदाहरण। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल, प्लूरल कौन सा है, गोट, डॉग, फॉक्स, माइस, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका माइस। माइस जो है वो माउस का प्लूरल है, ठीक है, माउस का जो प्लूरल होता है वो होता है माइस। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रिगार्डेड एज सिंगुलर, तो इनमें सिंगुलर कौन सा है, कैट्स, डॉग्स, मैथमेटिक्स और कार्स, तो इसमें जो सिंगुलर कौन सा है वो आपको बताना है, तो इसमें सिंगुलर है मैथमेटिक्स, इसको ऐसे ही लिखा जाता है सेम टू सेम सिंगुलर में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस बताना है इसमें कौन सा है, तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये होते हैं, तो इसमें कौन सा है, आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन वन टाइम, देखिए पहला ही ऑप्शन इसमें मिल गया, आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम, ये है आपका एक्टिव वॉइस। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें बाय लगा होता है, बाय से आप देख के पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा होगा, तो ही वॉज असिस्ट बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, देखिए इसमें बाय लगा, तो यही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दैट इज द मैन द पुलिस वॉज सीकिंग, इन द एबो सेंटेंस वॉट इज द स्टेटस ऑफ
टू दास। तो जो द हैं वो क्या होते हैं, वो ए एंड आई क्या होते हैं, ये आर्टिकल्स होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट होते हैं द और इनडेफिनेट होते हैं ए और एन, ये होते हैं आर्टिकल्स। अगला है दीज स्टूडेंट आर मोस्ट डिसओबीडियंट इन द एबो सेंटेंस पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ स्टूडेंट। जो स्टूडेंट है उसका जेंडर आपको बताना है। तो स्टूडेंट है वो कॉमन जेंडर है, क्योंकि स्टूडेंट में लड़की भी आती है लड़का भी आता है, दोनों आते हैं, मतलब फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों जेंडर आते हैं, तो ऐसे जेंडर को कॉमन जेंडर कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जो है वह है कॉमन जेंडर। अगला प्रश्न है इन द सेंटेंस ही वॉज गोइंग अलोंग द रोड पॉइंट आउट द सेंटेंस। तो ये आपको कौन सा सेंटेंस है ये आपको बताना है, इसमें इसकी जो कौन सा प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, तो इसमें आपको ये बताना है। तो ही वॉज गोइंग अलोंग द रोड, तो ये आपको बताना है, ये है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए गोइंग लगा है तो कॉन्टिन्यूअस है, आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस में होती है, और वॉज लगा है तो पास्ट है, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगला प्रश्न है लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम लिसनिंग राइटिंग रीडिंग स्पीकिंग। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था, इससे पहले भी बताया, जो इसका सही क्रम है वो क्या है, एल एस आर डब्ल्यू, हिंदी में बोलते हैं इसको सुबोपली। ठीक है, तो पहला स्टेप कौन सा है, सुनना। ठीक है, सुनना मतलब लिसनिंग, ऑप्शन नंबर वन, ये आप याद रखिए, ये इसका सही क्रम है सीखने का, तो ऑप्शन नंबर वन इसका सही होगा। तो दोस्तों ये थे आज के इस वीडियो के पार्ट नंबर, ये यूपी टेट 2018 का हल प्रश्न पत्र है, इसका पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो उसको जाकर जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विशेष प्रश्न की तरफ। आज का विशेष प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। आज का विशेष प्रश्न है अपोजिट लिखना है कनेक्ट का, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ कनेक्ट। तो इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करें, और वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।